शुक्रवार को सूरत में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड हुआ उसे देखते हुए इंदौर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी के चलते शनिवार को उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने शहर में संचालित होने वाली कोचिंग क्लास का दौरा किया और वहाँ उचित दिशा निर्देश दिए। अभी मेरे वक्तव्य में कहा कि जहाँ जहाँ एजुकेशन के ऐसे सेंटर हैं उनमें भी अल्टीमेटली बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एक माता पिता अपने बच्चों को हज़ारों मील दूर भेजते हैं कि वो मेरा बेटा इंदौर जैसे शहर में पढ़े या मेट्रो शहर में पढ़े और उसकी सरकार या व्यवस्था उसकी सेफ्टी नहीं कर पाए, ये मैं समझता हूँ फेलियर होगा। इसलिए हमारा दायित्व है, हमने किया। देवास जिले के इंदौर बेतुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर धंतलाओ घाट के पास अहमदाबाद गुजरात से बुधनी रुई भरकर जा रहा ट्रक सामने से आ रहे चार पहिया वाहन को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर रोड से नीचे उतर गया, जिसके बाद ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक चालक कुछ कर पाता उसके पहले ही ट्रक धू धू कर जलने लगा। हमारे डायल पर जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों की जाँच शुरू की। सर्वप्रथम अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत आयोजन समिति तरुण क्लब के खिलाड़ियों ने किया। इस अवसर पर खातेगांव पत्रकार संघ के सभी सदस्यों का आयोजन समिति ने सम्मान किया। मुख्य अतिथि विधायक नारायण पटेल ने प्रथम मैच में पत्रकार एकादश एवं टीम के अन्य अधिकारी कर्मचारी से परिचय प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश बिश्नोई ने किया, आभार राजेश बिश्नोई ने माना। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पत्रकार एकादश एवं टीम के आना जिन प्रतिनिधियों के बीच मुकाबला आया हुआ। पत्रकार एकादश के कप्तान जितेंद्र मौर्या ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 रनों से जीत दर्ज की। पत्रकार प्रदीप साहू, बबलू यादव, पुनीत जैन ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 60 रन 6 ओवर में बनाए। अरे बहुत बढ़िया। तरुण क्लब खातेगांव द्वारा विगत कई वर्षों से रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें पहला मैच टीम के अनर अधिकारी कर्मचारी और पत्रकार एकादश के बीच होता है। लंबे समय से पत्रकार इस सीरीज को जीतते आए हुए हैं। आज भी पत्रकारों ने अपनी जीत को कायम रखा और बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए यहां पर डांगमंगला मैदान पर जीत हासिल की। कैमरामैन जितेंद्र डाबी के साथ IBN9 के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट। तरुण क्रिकेट क्लब और तरुण खेलकूद समिति द्वारा रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता खातेगांव प्रीमियम लीग का यह आयोजन किया जा रहा है। स्वर्गीय श्री बीरेन सिंह जी शेखावत और स्वर्गीय श्री शंभू जी शेखावत की पुण्य स्मृति में लगातार यहाँ रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता है। खातेगांव में खेलों का एक अपना स्तर है और विशेष रूप से क्रिकेट का स्तर बहुत ऊँचा है। अभी आपने राष्ट्रीय स्तर पर IPL की धूम देखी और आने वाले समय में वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है। इन दोनों के बीच में खातेगांव नगर में खातेगांव प्रीमियम लीग का आयोजन नगर के दानदाताओं के सहयोग से
खेल प्रेमियों के सहयोग से किया जा रहा है। आईपीएल की तर्ज पर पूर्ण रूप से आयोजित यह रंगारंग क्रिकेट खातेगांव के खेल इतिहास में एक और यादगार मिसाल बनने जा रहा है। मैं सारे पत्रकार साथियों के माध्यम से क्षेत्र के समस्त खेल प्रेमियों को भी इस आयोजन में सादर आमंत्रित करता हूं और आप लोगों के माध्यम से ही पूरे दानदाताओं का, सहयोगियों का, खिलाड़ियों का, खेल प्रेमियों का, आयोजन समिति की ओर से, तरुण क्लब खातेगांव की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जिस उम्मीद के साथ टूर्नामेंट की रूपरेखा यहाँ पर की गई है, आयोजन किया जा रहा है, उस उम्मीद पर खातेगांव के खिलाड़ी खरे उतरें और खातेगांव का, जिले का और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। ठीक, धन्यवाद।